अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका शेजा टाइम में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और बकरीद का व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। बकरीद स्टार्टिंग ये थी कि हम लोग बस जा रहे थे दादी के यहाँ, क्योंकि हम लोग अपनी ईद और बकरीद दोनों दादी के यहाँ करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है वहाँ पर। और सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी अपनी वीडियोस अपलोड करने का। तो बस अभी चलते हैं दादी के घर, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो दादी के यहाँ बस चाय के साथ मुझे लावा अच्छा लगता है, तो मैं लावा खा लेती हूँ। मतलब हेल्थ के लिए, अरे मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बहुत से लोग मखाना कहते हैं, बहुत से लोग लावा कहते हैं, और ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सर्च करके बिल्कुल देखिएगा। उसके बाद जो हमारी क्यूट सी ज़हरा है, उनके ये ड्रेस थे, दो टॉप थे और एक उसका स्कर्ट और टॉप था, और बहुत क्यूट थे। छोटे बच्चों के ड्रेस तो ऑलरेडी बहुत क्यूट लगते रहते हैं। और आप लोग को भी जिस तरीके की भी वीडियो चाहिए रहा, अगर बिल्कुल कमेंट करके बताया करिए। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि और अच्छी वीडियोज़ आएँ। और यार प्लीज़ सपोर्ट इनकरेज सब किया करिए कि हम लोग जल्दी से इंशाल्लाह अच्छा सपोर्ट। तो बस यहाँ पे सेवई की तैयारी थी। अब ईद और बकरीद दोनों जगह सेवई बनना तो कंपल्सरी होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिल रही थी बकरीदी। ऐसे तो ईदी मिलती है लेकिन हमको बकरीदी भी मिलती है। उसके बाद बस मैं नहा धो के सेवैयाँ टेस्ट कर रही थी। मुझे सेवई सिर्फ अपने मम्मा के हाथ की अच्छी लगती है, और मैंने टॉप और लोअर पहना था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। उसके बाद चाप तो बहुत फेवरेट है मेरी। मुझे सबसे अच्छी चाप नींबू और इसके साथ चाट मसाला, क्या मज़ा आता है खाने में। आप लोग भी ट्राई करिएगा, किया होगा ट्राई आप लोग ने। देन उसके बाद मैंने खाया सिल्क वाली, सॉरी बबली चॉकलेट। मुझे ये चॉकलेट्स पसंद है लेकिन बड़ी बड़ी चॉकलेट्स, लाइक ओरियो, बबली, सिल्क, कुछ इस तरह की। और ये लास्ट में हमने बना लिया था सीख कबाब पराठा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोग को बिल्कुल कमेंट से मतलब बताइएगा तो मैं दूँगी। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक था, तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।